हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो भाई आज की इस वीडियो में हम दो ट्रैक्टर का कंपैरिजन करने वाले हैं, जिसमें कि है भाई एक तरफ हमारे पास स्वराज 744 XT 5 स्टार और भाई दूसरी तरफ है स्वराज 744 XT 4 स्टार। तो भाई आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं भाई स्वराज 744 XT 5 स्टार में एक स्टार बढ़ाने के साथ साथ में और क्या क्या चेंजेस किए हैं और क्या क्या फीचर इसमें एक्स्ट्रा डाले हैं कंपनी ने। तो भाई सबसे पहले इंजन से स्टार्ट कर लेते हैं स्वराज 744 XT 5 स्टार के। यहाँ पे हमें 52 HP का इंजन मिल जाता है, दूसरी तरफ हमें 744 XT 4 स्टार में 50 HP का इंजन मिलता है। और अभी बात कर लेते हैं भाई 5 स्टार की CC के बारे में। तो यहाँ पे हमें 3478 CC का इंजन मिल जाता है और भाई दूसरी तरफ भी 3478 CC के आसपास ही इंजन मिलता है। और ये दोनों ट्रैक्टर के इंजन 2000 इंजन रेटेड RPM पे वर्क करते हैं। अभी बात कर लेते हैं भाई दोनों ट्रैक्टर के टायर साइज़ के बारे में, जो कि भाई दोनों ट्रैक्टर के टायर साइज़ बिल्कुल सिमिलर हैं, यानी कि आपको फ्रंट टायर 750/16 के मिलते हैं और भाई पिछले टायर दोनों में 1428 के मिलते हैं। इनमें कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता, सिर्फ और सिर्फ 1428 के ही टायर मिलते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं भाई दोनों ट्रैक्टर के गियर बॉक्स के बारे में। तो यहाँ पे आपको 8 फॉरवर्ड और 2 रिवर्स गियर मिलते हैं, यहाँ पे आपको मीडियम का ऑप्शन नहीं मिलता। और इसमें जो 5 स्टार है यहाँ पे आपको CRPTO का भी, उसके साथ में IPTO क्लच भी मिल जाएगा, जो कि आपको 4 स्टार में नहीं मिलता है। इसके कारण ये ट्रैक्टर डबल क्लच के साथ में आता है और जो 4 स्टार है वो ड्यूल क्लच के साथ में आता है, यानी कि उसके दोनों क्लच एक ही जो मेन क्लच पैडल होता है उसी में दिए गए हैं और इसमें आपको PTO के लिए अलग से IPTO क्लच दिया गया है। अभी बात कर लेते हैं भाई इसके हाइड्रोलिक AC/DC लीवर के साथ में, जो एक नई चीज़ अटैच की है, जो कि है भाई ईजी हिच, जिसको आप पीछे से कंट्रोल कर सकते हैं अगर आप ट्रॉली वगैरह इसके हुक के साथ में अटैच कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ईजी हिच का ऑप्शन मिला, यानी कि आप पीछे से इसकी हाइड्रोलिक को कंट्रोल कर सकते हैं। उसी के साथ में डबल डिस्ट्रीब्यूटर और ऑक्सिलरी लीवर भी दिया गया है ड्राइवर की सीट के साथ में, जो कि भाई स्वराज 744 XT 4 स्टार में आपको ईजी हिच का ऑप्शन नहीं दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पे ऑक्सिलरी लीवर और डबल डिस्ट्रीब्यूटर ही दिए गए हैं। अभी बात कर लेते हैं भाई पैक साइड से दोनों ट्रैक्टरों के बारे में। तो भाई लिफ्ट कैपेसिटी की अगर मैं बात करूँ तो 1700 kg की लिफ्ट कैपेसिटी मिलती है। उसी के साथ में PTO पावर की अगर मैं बात करूँ तो 43 HP की PTO पावर मिलती है, जो कि मल्टी स्पीड PTO बोलते हैं इसको। और भाई इसी के साथ में यहाँ पे आप देख सकते हैं ईजी हिच का ऑप्शन मिलता है 5 स्टार में। और इसकी PTO पावर की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी आपको 43 HP PTO पावर मिलती है और 1700 kg की यहाँ पे आपको लिफ्ट कैपेसिटी मिल जाएगी। तो पीछे से मतलब दोनों ट्रैक्टर सेम है लगभग, बस थोड़े से जो एक्स्ट्रा फीचर दे दिए गए हैं 5 स्टार के साथ में, बाकी और कोई चेंजेस नहीं किए गए हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो मडगार्ड है उनको सपोर्ट भी दोनों ट्रैक्टर में सेम दी गई है, लेकिन यहाँ पे आपको टूल बॉक्स पीछे दे दिया गया है। अभी बात करते हैं भाई दोनों ट्रैक्टर के लेंथ के बारे में। तो भाई लेंथ दोनों ट्रैक्टर की बिल्कुल सेम है, क्योंकि इनकी जो टायर साइज़ है वो भी सेम है। यहाँ पे आपको 1428 के मिलते हैं पिछले टायर और फ्रंट टायर 750/16 के। तो इसके कारण यहाँ पे जो हाइट और लेंथ है वो बिल्कुल सेम दी गई है दोनों ट्रैक्टर की। और यहाँ पे आपको सिंगल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग मिल जाएगा, जिसकी लाइफ भाई ड्यूल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग से काफ़ी ज़्यादा होती है, तो ये भी इसका एक प्लस पॉइंट है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो एयर क्लीनर है वो भी काफ़ी जो सभी ट्रैक्टरों में सेम ही देती है जो स्वराज कंपनी है। तो भाई वीडियो पसंद आई तो इसे आप लाइक कर सकते हैं और चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें भी ना मत जाना। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।